हेलो एवरीवन, प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को तहे दिल से नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि अभी तो आप अच्छे होंगे, क्योंकि इस जालिम 2020 में जहां अच्छी खबर हमें कहीं सुनने को मिली नहीं रही थी, वहां आपके आईसीएसआई ने आपको एक बहुत ही अच्छी और प्यारी खबर जो है वो दे दी। क्या सर खबर? खबर ये कि हम इतने टाइम से अपील कर रहे थे आईसीएसआई से कि सर प्लीज हमारे एग्जाम जो है वो पोस्टपोन कर दो और उसकी अनाउंसमेंट कर दो कि एग्जाम जो है वो कब होने वाले हैं, राइट? तो आईसीएसआई ने हमारी अपील को सुनते हुए, आपकी बात जो उसको सुनते हुए, एग्जाम्स को पोस्टपोन करके 6 जुलाई 2020 को कर दिया। गॉट द पॉइंट? मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा स्टेप यहां पे लिया आईसीएसआई ने और बहुत ही अच्छे तरीके से सूझबूझ से यहां पे डिसीजन जो है वो लिया गया। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके और अगर आप चाहे कमेंट करना तो कमेंट करके भी अपनी खुशी जो है आईसीएसआई के टुवर्ड्स ये आप यहां पे व्यक्त कर सकते हैं, राइट? बट आज का हमारा जो टारगेट है, जो टॉपिक है, वो ये है कि हमें यहां पे बनाना है मास्टर प्लान। यानी कि अगर हमारी सिचुएशन चेंज हो चुकी है और हमारे पास में एडिशनल टाइम यहां पे आ चुका है, तो उसके हिसाब से आगे हमारी स्ट्रेटजी जो है वो क्या होनी चाहिए, आगे हमें किस तरीके से वर्क यहां पे करना चाहिए, राइट? अगर एग्जैक्टली मैं यहां पे बात करूं तो आपके पास में 1 मई से लेके 5 जुलाई तक, क्योंकि 6 से एग्जाम होने वाले हैं तो 5 जुलाई हो गया, ठीक है? ये टाइम पीरियड के बीच में आपके पास में कुल मिलाकर 66 डेज है। और अगर ये 66 डेज आप हर दिन 10 घंटे भी पढ़ाई करते हैं तो कुल मिलाकर आपके पास में 660 आवर्स हो जाते हैं, जिसमें आप अगर स्टार्टिंग भी करना चाहें, यानी कि अगर आप फ्रेश स्टार्ट अभी भी करना चाहें तो भी आप अपना एक ग्रुप जो है वो कम से कम यहां पे निकाल सकते हैं, या फिर पूरा का पूरा एग्जाम जो है उसको भी निकाल सकते हैं अगर डिटरमाइंड होकर आप पढ़ाई करें तो। गॉट द पॉइंट? तो हम आज इस वीडियो के अंदर मेनली ये डिस्कस करेंगे कि आगे का हमारा प्लानिंग जो है वो कैसे होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी हमको यूज करनी चाहिए, टाइम टेबल हमारा क्या होना चाहिए और किस तरीके से हमें पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू करनी चाहिए। लेकिन इसके पहले कि हम यहां पे मास्टर प्लान की बात करें, मैं आप सभी लोगों से कुछ कॉमन क्वेश्चंस पे डिस्कशन करना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि बच्चों ने यहां पे सवाल पूछे कुछ यहां पे। फॉर एग्जाम्पल, शुड वी प्लान फॉर द बोथ ग्रुप, कुछ बच्चों का सवाल आया। सर बोले अभी तक मैं एक ही ग्रुप की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन चूंकि यहां एक्सटेंडेड टाइम मिल गया है और मेरा एक ग्रुप अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है, तो क्या मैं दोनों ग्रुप के लिए जाऊं, या फिर अगर मैं प्रोफेशनल में हूं तो क्या मैं तीनों ग्रुप्स के एग्जाम दूं क्या? ये सवाल आया। इसके लिए मेरा बहुत सिंपल सा जवाब यह है कि मेरे हिसाब से ये काम आपको नहीं करना चाहिए। द रीजन बीइंग कि अभी फिलहाल आप अपने एक ग्रुप के अंदर कॉन्फिडेंट है। आगे अगर आप टाइम की बात करेंगे तो हमारे पास में 2 महीने के आसपास का टाइम है, राइट? अगर बाय एनी चांस आगे चल के आपको यह समझ में आया, कि सेकंड ग्रुप के लिए आप उतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं और अगर आपने पैनिक कर दिया तो उसकी वजह से ना तो आप न्यू ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर पाओगे और पुराने वाला जो था उसका भी आप बंटाधार करके बैठ जाओगे, ठीक है? तो मेरे हिसाब से जैसा प्लानिंग आपने पहले किया हुआ था, एक ग्रुप, दो ग्रुप एज द केस में भी और 3 ग्रुप एज द केस में भी, वैसा ही आपको यहां पे कंटिन्यू करना चाहिए। आपको कुछ एडिशनल यहां पे नहीं करना, ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात, बच्चों का सवाल ये आ रहा है कि सर अगर जून में हमारे एग्जाम होते तो 31 दिसंबर 2019 तक के जितने भी अमेंडमेंट है वो हमें एप्लीकेबल होते, लेकिन चूंकि अब एग्जाम 1 महीने पोस्टपोन हो चुके हैं तो क्या जो अमेंडमेंट्स हैं वो 31 दिसंबर वाले एप्लीकेबल होंगे या फिर 31 जनवरी तक के जो अमेंडमेंट्स हैं वो एप्लीकेबल होंगे? तो इसका जवाब भी बहुत सिंपल सा है बेटा कि चूंकि यहां जो पोस्टपोन करने का लॉजिक है, जो रीजन है, वो कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है बल्कि स्पेशल सिचुएशन है, तो इस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आईसीएसआई यहां आपको जनवरी तक के अमेंडमेंट्स को कवर करने के लिए कहेगा। गॉट द पॉइंट? और दूसरी बात, अगर कहेगा भी तो आईसीएसआई ऐसे ही डीम्ड एज्यूम नहीं कर लेगा, बकायदा आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा कि सर ऐसा ऐसा है कि आपको इसके हिसाब से 31 जनवरी तक के अमेंडमेंट्स कवर कर रहे हैं, ठीक है? और जैसे ही नोटिफिकेशन दिया जाएगा, आपका भाई है यहां पे आपको बताने के लिए कि अभी इसका अमेंडमेंट, सॉरी अपडेट जो है वो आ चुका है या नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है। गॉट द पॉइंट? डन। फिर उसके बाद में तीसरा पॉइंट, तीसरा सवाल जो काफी सारे बच्चों का ये धड़ाधड़ लाइव वाले सेशन में भी आ रहा था कि सर बाकी बची हुई मैराथन जो है वो कब होने वाली। तो मैं आपको बता दूं कि वी वर वेटिंग फॉर दिस थिंग ओनली कि अभी आपके जो एग्जाम्स है उसको पोस्टपोन किया जाना है, तो कहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम्स बहुत ज्यादा पोस्टपोन हो जाए और हम मैराथन जो है वो पहले ही रिकॉर्ड करके रख दें। गॉट द पॉइंट? चूंकि अब क्लैरिटी आ चुकी है तो मैं आपको बता दूं कि नियर फ्यूचर में मैराथन
सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएस प्रोफेशनल की, जो कि सीएस कार्ट इंडिया के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरे इंडिया में बहुत 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 बड़े लेवल पे होती है। और ये तो आपको अच्छे से ध्यान ही होगा, नए वाले बच्चों को मैं बता दूं कि सीएस कार्ट इंडिया जो है वो इकलौता एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने सबसे पहले ऑनलाइन लाइव मैराथन जो है उसका कंसेप्ट यहां पे लिखा है, जहां पे फैकल्टी 12-12 घंटे लगातार आपके साथ में बैठ के आपसे पढ़ाई जो है वो करवाता है। गॉट द पॉइंट? सो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसका बेनिफिट इतने सारे बच्चों को मिल रहा है, एंड थैंक्स टू यू पीपल, इतने डिमांड आप इस चीज की करते हो। पूरे मतलब लाइव चैट के अंदर वहां पे मैराथन 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 लिखा हुआ था कि सर कब आएगी कब आएगी कब आएगी कब आएगी। तो क्लियर कर दूं मैं आप लोगों को कि बहुत जल्द मैराथन जो है उसकी पूरी सीरीज हम वापस से यहां पे शुरू करने वाले हैं। जो हो चुके हैं वो हो चुके हैं, वो अपलोड भी कर दिए गए हैं, लेकिन जो नहीं हुए हैं वो बहुत जल्द आपके सामने आ जाएंगे। गॉट द पॉइंट? डन। चौथा, डिस्ट्रेस स्टूडेंट। सर बोले हमारे जो लेक्चर्स थे वो 30 जून तक के ही थे, राइट? या फिर उसके अलावा सर बोले हमने तो लाइव क्लासेस अटेंड करी थी और अभी हमको लगा था कि लॉकडाउन के बाद में जाके वो क्लासेस को कर लेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ऐसे जितने भी बच्चे हैं जो कि फिलहाल पैनिक में है, डिस्ट्रेस में है, उनके लिए सीएस कार्ट इंडिया जो है उसने सिंपल एक काम यहां पे किया है कि जो आपके लिए पहले से एक स्कीम चालू थी, बीच में हमने शुरू किया था, जिसमें आप क्या कर सकते थे, जिसमें आप लेक्चर्स जो हैं एक सब्जेक्ट के 2000 रुपए में ले सकते थे। गॉट द पॉइंट? लिंक प्लस पीडीएफ। गॉट द पॉइंट? वो आपके लिए वापस से रिएक्टिवेट कर दिया गया है आज भी, अगर आप चाहें तो दिसंबर 20 के अटेम्प्ट के लिए सिर्फ 2000 रुपए पर सब्जेक्ट एंड 7000 रुपीज पर ग्रुप के हिसाब से आप लेक्चर्स को यहां पर ले सकते हैं जस्ट मिनिमम कॉस्ट के ऊपर। गॉट द पॉइंट? उन बच्चों के लिए जो अभी डिस्ट्रेस कर रहे होंगे कि सर हमने तो लाइव क्लास वगैरह ली थी, या फिर हमने एक ग्रुप के लिए लिया था, या जैसा भी है, जो भी आपका प्रॉब्लम होगा उसके हिसाब से, ठीक है? डन। फिर उसके बाद में अगला आता है चेंज ऑफ एग्जाम सेंटर। सर कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर मेरा जो घर है वो आता है वाराणसी में, एग्जाम में देना चाहता हूं अलाहाबाद में। मैंने कहा सबसे पहला सवाल क्यों भाई है, यहाँ कोई मतलब ऐसे कोई टूरिस्ट आया क्या घूमने के लिए कोरोना नाम का, कि आपने सोचा वो भी घूम रहा है हम भी घूम लेते हैं, घर हमारा कहीं और है, एग्जाम कहीं और जाके देख के आ जाते हैं। मेरा सिंपल सा ओपिनियन ये है कि जहां पे भी आपका एग्जाम सेंटर है उसको वहीं पे ही रहने दो, ठीक है? आप उसको चेंज मत करो। गॉट द पॉइंट? बिकॉज वी डोंट नो कि आगे चल के सिचुएशन क्या होने वाली है। गॉट द पॉइंट? तो जहां आप फिलहाल हैं, अगर आप अपने घर पे हैं, मतलब आपके होम टाउन में हैं, और वहां पे एग्जाम सेंटर है, उसके नियर बाय एग्जाम सेंटर है, वहां का आपने भरा हुआ है, तो वही रहने दीजिए। या इसके अलावा आप इस कंट्री के किसी भी कोने में हैं, तो जहां आप हैं वहीं का ही उसके आसपास का एग्जाम सेंटर जो आपका होगा उसी को ही आप फिल कीजिए और उसी पे ही आप एग्जाम जो है देने जाइएगा। गॉट द पॉइंट? डन। एंड फिर उसके बाद में आता है आपका मास्टर प्लान, यानी कि अगले आने वाले दिनों के अंदर 66 डेज के अंदर हमें अपनी प्रिपरेशन जो है वो किस तरीके से करनी है, ठीक है? इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है ये सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएस प्रोफेशनल ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप ओल्ड सिलेबस में होंगे या फिर आप न्यू सिलेबस में होंगे, उसके बाद उन बच्चों के लिए भी क्या रहेगा, सेम फॉलो करने के लिए एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है? तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपने एग्जाम प्रोफेशनल और एग्जीक्यूटिव, ठीक है, अभी जो आपका जुलाई में आने वाला था, इसमें अगर आपने एक ही ग्रुप का प्लानिंग किया था, मतलब आपने ये सोचा था कि मैं एक ही ग्रुप देने वाला हूं, तो अगला सवाल आपसे ये आता है कि क्या इसके लिए आपकी रेगुलर स्टडी जो है वो हो चुकी है क्या? दो जवाब हो सकते हैं, सबसे पहला नहीं सर, या फिर दूसरा हां हो चुकी है या फिर ऑलमोस्ट हो चुकी है। गॉट द पॉइंट? तो ध्यान से सुनिएगा, अगर नहीं हुई है तो आपको ये रेड वाला जो शेड्यूल रहेगा ना इसको फॉलो करना, और अगर हो चुकी है तो फिर ये ब्लैक वाला शेड्यूल जो है इसको आपको फॉलो करना रहेगा, ताकि कम से कम 3 रिवीजन, ध्यान दीजिएगा, ये मास्टर प्लान को फॉलो करके कम से कम 3 रिवीजन, कौन सा, एकदम डेप्थ वाला सफिशिएंट टाइम पीरियड जो है मैं आपको यहां पे देने जा रहा हूं, ठीक है, एकदम डेप्थ वाला 3 रिवीजन जो है वो आप यहां पे सिंपली कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट? और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि ये जो मैंने यहां पे मास्टर प्लान बनाया है, कुल मिला के अगर मैं पेजेस की बात करूं तो आपके लगा लीजिए कि कितने पेज हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पेज का मास्टर प्लान मैंने बनाया है, जो कि आपको इसी पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा।
गॉट द पॉइंट। तो जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं अकॉर्डिंगली वहां से आप इस चीज को लेके आप अपने हिसाब से स्टडी जो है उसको कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट, डन। तो सबसे पहला सवाल कि क्या आपकी रेगुलर स्टडी, मतलब सबसे पहले जो क्लासेस आपके पास में आती है उसके हिसाब से स्टडी हो चुकी है। अगर आपका जवाब है नहीं, अगर नहीं हुई है तो ऐसे केस में सबसे पहले 20 डेज, ध्यान दीजिएगा अगर एक ग्रुप है तो 20 दिन, पहले 20 दिन आपको अपनी रेगुलर स्टडी को कंप्लीट करने का टारगेट जो है वो बनाना है। आज से 20 दिन के अंदर अंदर आपके जो पहले क्लासेस है वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। गॉट द पॉइंट। और जैसे ही वो कंप्लीट हो गए तो अगले 20 दिनों में फर्स्ट रिवीजन, फिर अगले 15 दिनों में सेकंड, और फिर अगले 10 दिनों के अंदर आपको क्या करना होगा, थर्ड रिवीजन जो है वो यहां पे करना होगा। लेकिन वहीं पे अगर आप ऑलरेडी क्लासेस कर चुके हैं तो ऐसे केस में तो आपके पास में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इसका जितना बेनिफिट आप उठा सकते हो उठा लीजिए। क्यों? क्योंकि आपके पास में टाइम की कमी ही नहीं। गॉट द पॉइंट। तो ध्यान से आपको क्या करना है, पहले 20 दिन इन डेप्थ रिवीजन करना है, मतलब लगभग वैसा जैसा कि आपने रेगुलर क्लासेस किए थे लगभग वैसा रिवीजन जो है वो आपको यहां पे करना है, जिसमें आप थोड़ा और डिटेल में जाके स्टडी जो है वो करेंगे ताकि वापस से आपका काइंड ऑफ रिवीजन डेप्थ वाला जो है वो यहां पे हो जाए, राइट। फिर उसके बाद में ये अगले 5 दिन आपको क्या करने हैं, क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना, पुराने क्वेश्चन पेपर्स को उठा लीजिए, ठीक है, रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के, उनके आप सॉल्व कीजिए 5 दिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है बेटा, काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ते जाते सेल्फ इवेल्युएशन करते ही नहीं है, ये देखते ही नहीं है कि भाई साहब कितना प्रिपेयर हो गया कितना नहीं हो गया है, मेरी राइटिंग कैसी है, मैं फास्ट लिख पा रहा हूं कि नहीं लिख पा रहा हूं, प्रोफेशनली लिख पा रहा हूं कि नहीं लिख पा रहा हूं। गॉट द पॉइंट। तो मेरा आपसे ये कहना रहेगा क्या कि आपको जो मैंने यहां पे डेज दिए हैं उन डेज में क्या करना है, क्वेश्चन आंसर जो है उनको भी सॉल्व करना है, ताकि पढ़ने के साथ साथ आपकी जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो भी क्या हो जाए, प्रॉपर हो जाए। गॉट द पॉइंट, डन। अच्छा, इसके ऊपर वालों की बात अगर मैं करूं तो उनके लिए कहेंगे कि सर हमारे लिए तो आपने ऐसा कुछ बनाया नहीं। बनाने का पॉइंट ऐसा है कि आपके लिए अलग से भले ही मैंने यहां पे नहीं बनाया, लेकिन आपको यह ध्यान देना है कि जैसे फर्स्ट रिवीजन है 20 डेज का, तो उसमें से 18 दिन आप रिवीजन कर लो, 2 दिन आप क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। गॉट द पॉइंट। ये आपको इनबिल्ट है, आपको वहां पे सॉल्व इसको करना रहेगा। गॉट द पॉइंट, डन। फिर उसके बाद सेम ऐसा ही अगर आप 2 ग्रुप के लिए प्लानिंग कर रहे थे तो वापस से सवाल आता है कि क्या आपकी रेगुलर स्टडी हो चुकी है, अगर नहीं तो कंप्लीट करना है 30 दिनों के अंदर, और अगर हो चुकी है तो फिर आपको रिविजन जो है वो शुरू करना है, राइट। सेम ऐसे ही प्रोफेशनल वालों के लिए अगर आप 3 ग्रुप्स की प्लानिंग कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली मैंने शेड्यूल जो है वो यहां पे आपको बना के दिया हुआ है, राइट। अब काफी सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर डेली का रूटीन जो है वो क्या होना चाहिए, मतलब कितने घंटे पढ़ाई करें, पहले कौन सा सब्जेक्ट लेके चलना चाहिए, बाद में कौन सा सब्जेक्ट लेके चलना चाहिए। तो इस पे मैं कहूंगा कि बच्चों के 2 ओपिनियन होते हैं, 2 टाइप के बच्चे होते हैं। एक वो बच्चा जो कहता है कि मुझे ना एक ही सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते बोर होने लगता है, तो मैं क्या चाहता हूं कि दिन में मैं 4 सब्जेक्ट को पढ़ूं, ठीक है। तो अगर आपका टारगेट ऐसा होगा कि आप दिन में 4 सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो सीएस एग्जीरफ का टाइम टेबल अलग से बना हुआ है, सुबह से लेके शाम तक का, सुबह 6 बजे से लेके रात को 11 बजे तक का सफिशिएंट टाइम ब्रेक जो है वो यहां पे प्रोवाइड किया हुआ है, और कौन से टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है वो भी यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप सिर्फ ग्रुप 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अलग से दिया हुआ है, सिर्फ ग्रुप 2 के लिए कर रहे हैं तो अलग से दिया हुआ है, और अगर आप दोनों ग्रुप के लिए कर रहे होंगे तो अगेन अलग से यहां पे प्रोवाइड कर दिया गया। सेम इसी तरीके से अगर मैं प्रोफेशनल वालों की बात करूं, सीएस प्रोफेशनल, उसमें तो 3 ग्रुप होते, तो तीनों ग्रुप में से कौन से सब्जेक्ट को कब पढ़ना है उसके बारे में टेंटेटिव टाइम टेबल जो है मैंने यहां पर बना दिया है। अगर आपका यह कहना होगा कि सर सॉरी वी आर काइंड ऑफ वैम्पायर्स, हम तो दिन में पढ़ते ही नहीं है, हम तो दिन में जगते ही नहीं है, हम तो दिन में सोते हैं और रात को पढ़ते हैं, अगर आप उस कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे तो अकॉर्डिंगली आप इस टाइम टेबल को क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, ठीक है। बाकी लोगों के लिए सुबह कितने बजे होती है, बोले सर 6 बजे, आपके लिए कितने, दोपहर को 12 बजे सर, या दोपहर को 2 बजे, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां पे 6 की जगह 2 बजे से अपना टाइमिंग जो है वो शुरू कर दीजिए और अकॉर्डिंगली अपनी पढ़ाई कीजिए, राइट। लेकिन दूसरे एक और कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं जो ये कहते हैं सर मेरा तो ये मानना है कि पहले एक सब्जेक्ट को पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लो, उसके बाद ही दूसरे पे जंप करो, ठीक है। अगर आप उस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि आपका जो भी रिस्पेक्टिव टाइम टेबल मैंने बनाया है उसमें आप जाइए। अब जैसे यहां पे मैंने फर्स्ट रिवीजन लिखा कि 20 डेज में करना है, तो ये 20 डेज को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो, ठीक है। जब 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं तो ये सोच लीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट वास्ट है,
कौन सा सब्जेक्ट टफ है, किसको कम टाइम देना चाहिए, किसको ज्यादा टाइम। मेरा सेंस यहां पे ये बोलता है कि कंपनी लॉ बहुत वास्ट, टैक्स लॉ बहुत वास्ट, ठीक है, तो इन दोनों को 6-6 दिन दे दूंगा। और वहीं पे अगर मैं एसबीसी की बात करूं तो 4 दिन काफी रहेगा, जेआईजीएल की बात करूं तो इसके लिए भी 4 दिन काफी रहेंगे। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो अकॉर्डिंगली आप अपना टाइम जो है वो वहां पे क्या कर लेंगे, सेट कर लेंगे। लेकिन हां, इवन अगर आप ये वाला शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं तो भी मैं आपको बता दूं कि मैंने आपका टाइम टेबल यहां पे बनाया हुआ है जिसमें आपको 10 घंटे कम से कम यहां पे पढ़ाई जो है इसके हिसाब से यहां पे हो जाएगी। करना क्या है, जहां जहां पे टैक्स लॉ लिखा होगा वहां, या जहां जहां पे जो जो सब्जेक्ट लिखा हो सबको हटा दो, वहां पे सब क्या आ जाएगा आपका, कंपनी लॉ। तो उसके हिसाब से पढ़ाई जो है वो आपको यहां पे करनी पड़ेगी। अंडरस्टूड द पॉइंट? दैट्स इट। तो आपका बड़ा भाई यानी कि प्रवीण चौधरी, आपका पीसी बाबा जो है वो आप सभी लोगों से इस बात का कमिटमेंट चाहता है कि अब आप यहां पे पढ़ाई इतनी ईमानदारी से करोगे कि आईसीएसआई ने आपकी गुहार सुन के, आपने कहा था सर हमको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा, ठीक है, आईसीएसआई ने आपकी बात सुन के आपके लिए ये पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जाम जो है वो ला के दिया, ठीक है, इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन आपको करना है। और मुझसे और आईसीएसआई से और अपने मम्मी पापा से आपको यह वादा करना है कि आप इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करेंगे और अगला जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं इसमें सबसे अच्छा रिजल्ट आप लाके देंगे। ये कमिटमेंट जो है वो आपको यहां सिंपल तरीके से करना है। अंडरस्टूड द पॉइंट? डन। कमेंट सेक्शन में फटाफट इस चीज का कमिटमेंट कर दो, वीडियो को यहीं पे पॉज करके, कि हां सर हम इस बात का आपको क्या करते हैं, कमिटमेंट देते हैं कि जुलाई अगर हुए तो 6 जुलाई को जो हमारे एग्जाम यहां पर शुरू होंगे इसमें हम इतना बेस्ट देके आएंगे जिसकी कोई हद नहीं है, और तब तक प्रिपरेशन में बोले किसी भी टाइप की कमी जो है वो आने देंगे। अंडरस्टूड द पॉइंट? दैट्स इट। इन्हीं वर्ड्स के साथ में ये वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूं। जाने के पहले कहना चाहूंगा कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैराथन इसी चैनल पे होने वाली है, और जो बेल आइकन आपको दिया गया है उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको कोई भी अपडेट जो है मिलने में देरी ना हो या प्रॉब्लम आपको ना। गॉट द पॉइंट? दैट्स इट। इन्हीं वर्ड्स के साथ में ये वीडियो को यहीं पे करता हूं खत्म। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।